नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल हित नॉलेज में। तो दोस्तों, मैं आज उस समय की बात कर रहा हूँ जिस समय ना तो सूक्ष्मदर्शी यंत्र थे, न ही कोई आधुनिक साधन थे। उस वक्त एक व्यक्ति जो शाम होते ही आकाश की ओर टकटकी लगाए बैठते थे, देखते रहते थे, बीच बीच में बांस की नलिका से कुछ देरी तक देखकर कुछ लिखते थे, कुछ गिनते थे, पूरी रातों तक ऐसे ही बैठते रहते थे। और ये प्रक्रिया बहुत दिनों तक, सालों तक चलती रही। और एक दिन वो व्यक्ति भारत के महान खगोल शास्त्री बन जाते हैं, महान गणिताचार्य बन जाते हैं, जिसका नाम था भास्कराचार्य। न्यूटन का नाम तो सुना ही होगा, न्यूटन की खोज से हम सब परिचित हैं, सेब का धरती पर पड़ना, गुरुत्वाकर्षण शक्ति। लेकिन उनसे कई साल पहले भास्कराचार्य ने गुरुत्वाकर्षण के बारे में जिक्र किया हुआ है। भास्कराचार्य ने गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया है तो इस बात का प्रमाण भी होना जरूरी है। दोस्तों, कई शोधकर्ताओं ने भास्कराचार्य के द्वारा लिखित सामग्री को इकट्ठी की और उस सामग्री को एक नाम दिया गया, सिद्धांत शिरोमणि, और उसे सुरक्षित रखा गया है। और यह चार भागों में विभाजित है, लीलावती, बीजगणित, घोलाध्याय और ग्रह गणिताध्याय। और इनमें से लीलावती और बीजगणित जो दो ग्रंथ है वो स्वतंत्र है, और घोलाध्याय और ग्रह गणिताध्याय ये दोनों को सिद्धांत शिरोमणि नाम से जाना जाता है। अब तीसरे भाग घोलाध्याय में भास्कराचार्य ने कहा है, मरुचलो भूरचला स्वभावतो यतो विचित्रवत वस्तु शक्त्यः आकृष्टि शक्तिश्च महितया यत खस्तम गुरुस्वाभिमुखम स्वशक्त्या आकृष्यते तत्पततीव भाति समे समन्तात्क्व पतत्वीयम् खे। भुवनकोश गोलाध्याय सिद्धांत शिरोमणि में भास्कर जी बताते हैं कि पृथ्वी में आकर्षण शक्ति होती है, ये आकर्षण शक्ति गुरुत्वाकर्षण भारी पदार्थों को अपनी ओर संतुलित रूप से आकर्षित करती है और इस कारण वह जमीन पर गिरते हैं। साथ ही साथ बता दूं कि भास्कराचार्य जी ने ही तो कहा था कि पृथ्वी किसी आधार पर नहीं टिकी, किंतु अपनी शक्ति से ही ब्रह्मांड में घूम रही है। दोस्तों, भास्कराचार्य जी की बेटी के जीवन से एक कथा भी प्रचलित है और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये स्टोरी है। देखो, उनकी बेटी के जीवन में कोई विवाह योग नहीं था, किंतु पिताजी भास्कराचार्य ने बेटी को गहनाओं के आधार पर विवाह के लिए एक शुभ मुहूर्त खोज निकाला और विवाह की तैयारी हो रही थी, उसे वधू के वेश में सजाया गया था। इस बात की पूर्ण सावधानी रखी गई थी कि शुभ मुहूर्त में ही विवाह संपन्न हो। अब उस वक्त आधुनिक घड़ियां तो थी नहीं, तब समय जानने के लिए नाड़ी यंत्र का उपयोग होता था। यह एक तांबे का बर्तन था जिसके पेंदे में छोटा सा छिद्र था, एक छोटा सा होल रहता था। छिद्र में से धीरे धीरे पानी बर्तन में जमा होता था और जिससे समय का अंदाजा लगता था, समय का पता चलता था। शुभ मुहूर्त से पहले बेटी कुतूहलवश उस पात्र में झांकती है तो आभूषण पहने हुए थे, वधू बनी हुई थी, तो उस आभूषण में से एक मोती उस पात्र में गिरा और पात्र के उस छिद्र का मुख बंद हो गया। अब ये पूरी घटना जो है वो अनजाने में बनी, समय का पता न चला, मुहूर्त बीत गया और बेटी को खूब दुख भी हुआ। अब आगे इस बेटी का विवाह हुआ कि नहीं, ये तो खोज करने की बात है, ये तो संशोधन की बात है। लेकिन कहा जाता है कि अपनी बेटी का दुख दूर करने के लिए भास्कराचार्य ने एक ग्रंथ का निर्माण किया, एक ज्ञानवर्धक
ज्ञानवर्धक ग्रंथ उन्होंने लिखा। इस ग्रंथ का अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसका अनुवाद जो है अंग्रेजी और फारसी भाषा में हुआ। इस ग्रंथ का नाम था लीलावती। यूरोपीय विद्वानों ने भी इस ग्रंथ के महत्व को स्वीकारा। और साथ साथ ये भी बता दूं कि कुछ संशोधनकर्ताओं का मानना था कि ये जो लीलावती है उनकी बेटी नहीं बल्कि पत्नी का नाम। खैर जो भी हो, लेकिन इस लीलावती ग्रंथ में ऐसा क्या था जिससे अंग्रेजी और फारसी विद्वानों को उनका अनुवाद करना पड़ा। वो बड़े बड़े गणित शास्त्रियों को उस ग्रंथ के बारे में बहुत रिसर्च करना पड़ा, ध्यान से बारीकी से देखना पड़ा। बहुत सारी जानकारियाँ इस ग्रंथ में दी थी, लेकिन इन शॉर्ट मैं बता दूं कि इस ग्रंथ में अंक गणित, बीज गणित, ज्यामिति के प्रश्न हैं और उनके उत्तर भी दिए गए हैं। इसके अलावा त्रिकोणमिति, त्रिभुज, चतुर्भुज के क्षेत्रफल, पाई का मान जैसे मैथ्स के टॉपिक का उन्होंने जिक्र किया हुआ है। 1114 ईस्वी में भास्कराचार्य का जन्म हुआ था और पिताजी से उन्हें ये उत्साह मिला था, पिताजी से उन्होंने ये सीखा। भारत के महान जो सालों से भारतीय इतिहास से छेड़छाड़ की गई है, और भारत वो देश है जिससे अन्य देशों ने बहुत कुछ सीखा है, और भारत सदैव संपन्नता का प्रतीक रहा है। भारत माता की जय। जय हिंद।